Hey guys, we're back with a question, and in this question, we have to again match the following columns. So let's have a quick look at it. So the first one is BT cotton, and BT in the BT cotton stands for the species Bacillus. It is the abbreviation for the species Bacillus thuringiensis. Now, BT cotton is a genetically modified crop. क्या होता है? जो बेसिलस स्पीशीज होती हैं, इसमें एक टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, और ये टॉक्सिन बेसिलस की बॉडी में, इन देयर बॉडी इज दिस टॉक्सिन इज इनएक्टिव. बट थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस टॉक्सिन टू द कॉटन प्लांट, क्योंकि जो कॉटन टू किल द कॉटन बॉलवर्म्स, ठीक है, कॉटन बॉलवर्म्स को किल करने के लिए हम इस टॉक्सिन को बीटी कॉटन में थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग ट्रांसफर कर सकते हैं. व्हाट विल हैपन, ये जो टॉक्सिन है, दिस टॉक्सिन विल गेट एक्टिवेटेड, इट विल गेट एक्टिवेटेड वंस द इंसेक्ट विल ईट इट. इट विल गेट एक्टिवेटेड इन द एल्केलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ दैट इंसेक्ट, ठीक है. जो अल्कलाइन पीएच होता है, अल्कलाइन पीएच में दिस विल गेट एक्टिवेटेड, और उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ किलिंग दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट. सो ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली कंट्रोल करेगा द कॉटन बॉलवर्म्स को, ठीक है. सो नाउ वी कैन सी हर सेकेंड ऑप्शन एज एडिनोसिन डायमिनीज डेफिशिएंसी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डी ए डेफिशियंसी. नाउ ए डी ए जो एज द नेम सजेस्ट, जो ए डी ए डेफिशियंसी है वो क्यों होगी, क्योंकि जो एडिनोसिन डायमिनीज एंजाइम होता है, ये हमारी बॉडी में एबसेंट होता है या वीक होता है. ए डी ए डेफिशियंसी क्यों होती है? ए डी ए डेफिशियंसी इज बिकॉज ऑफ द डिलीशन ऑफ द एंजाइम, डिलीशन ऑफ द जीन दैट कोड्स फॉर द एडिनोसिन डायमिनेज एंजाइम, ठीक है. तो इसका जो जीन होता है, एडी एंजाइम के लिए जो जीन होता है हमारी बॉडी में, उसके डिलीशन के लिए, उसके डिलीशन की वजह से हमें इस चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है. नाउ इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, या फिर इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, या फिर इन चाइल्ड, अगर हम ऐसी किसी डिजीज को क्योर कर सकते हैं बाय चेंजिंग द जेनेटिक कोड, ठीक है, जो हम जेनेटिक कोड है उसमें चेंज करके हम चेंजेस कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम जीन थेरेपी बोलते हैं. इन विच वी कैन चेंज द चेंज और वी कैन ऑल्सो से दैट वी कैन करेक्ट द जेनेटिक कोड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है. जो जो कुछ भी डिजीज है उसमें जीन थेरेपी के थ्रू हम इसको करेक्ट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज आरएनए आई. आरएनए आई स्टैंड्स फॉर आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है. आई जो है यहाँ पे वो इंटरफेरेंस के लिए कहा गया है. नाउ आरएनए इंटरफेरेंस इज अ सेल्यूलर डिफेंस टेक्निक, ठीक है. ये अब कोई भी, ये बहुत कॉमन टेक्निक है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल्यूलर डिफेंस के लिए. होता क्या है, जो भी हमारे पास कोई वायरल डीएनए आया सपोज, नाउ इस वायरल आरएनए का जो भी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होगा, ठीक है, फॉर दिस एमआरएनए, इसके एमआरएनए के लिए, एमआरएनए के लिए हमारी बॉडी में एक डीएसआरएनए बनता है जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है. दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से इससे बाइंड कर सकता है और इसकी फर्दर एक्टिविटी को स्टॉप कर सकता है, ठीक है. तो दिस इज वॉट इज डन इन आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक. नाउ द नेक्स्ट वन इज पीसीआर. पीसीआर स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पी सी आर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. नाउ ये कहाँ यूज होती है, दिस मेथड इज यूज इन द एम्प्लीफिकेशन, दिस मेथड इज यूज इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है. एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए में इस मेथड को यूज किया जाता है, और इससे होता क्या है कि एक एक डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बन जाती है. नाउ एज द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए हैज बीन इंक्रीज, वी कैन डायग्नोज यूजिंग दैट कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है या कुछ इन्फेक्शन है तो हम लोगों को इजिली डायग्नोसिस करने में उससे हेल्प मिलती है, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ पीसीआर, ऑफ परफॉर्मिंग अ पीसीआर. नाउ लेट्स मैच द ऑप्शन. द फर्स्ट वन वी हैड वॉज बीटी कॉटन, एंड as we said that BT is the abbreviation for Bacillus thuringiensis, so this will be matched with the fourth option here. Now the next one we have is adenosine deaminase deficiency. Now adenosine deaminase deficiency, as we told that this can be cured by gene therapy
which leads to the correction of the genetic material in the embryonic stage. So this can be matched with gene therapy. The next option we have here is RNA interference technique, which is used as a cellular defense technique. So this can be matched with the second option. The last option we have is PCR, that is polymerase chain reaction. Now in PCR, we know जो एच आई वी इन्फेक्शन होता है, एच आई वी इन्फेक्शन के लिए जो टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एलिसा. ठीक है, एलिसा टेस्ट होता है एंड दिस एलिसा टेस्ट कैन बी परफॉर्म. और इस एलिसा टेस्ट का जो जो मेन चीज एलिसा टेस्ट यूज करती है वो होता है पी सी आर टेक्निक. सो देयर फोर वी कैन मैच दिस पी सी आर विद द डिटेक्शन ऑफ एच आई वी और एड्स इन्फेक्शन. ठीक है, सो नाउ लेट अस मैच दीज ऑप्शन विद द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन ओवर हियर. We have to match A option with the fourth one. In the first one, we can see that this is incorrect. In the second option, this is matched with the fourth one, so this will be correct. The third is again matched with the third one, so in the A option is matched with the third one, so this will also be incorrect. In the fourth option also, A is matched with the second option, which is also incorrect. So technically, हमारा जो second option होता है वो correct हो जाता है, but we'll definitely look for other options also. जो B option है, हमें दिख रहा है कि first से matched है, this is also correct. ठीक है, this is also correct. ऑप्शन हमें दिख रहा है कि वी हैव मैच्ड विद द सेकंड वन, यहाँ पे भी सही दिया हुआ है. एंड डी ऑप्शन में हमें दिख रहा है दैट वी हैव मैच्ड इट विद द थर्ड वन, सो ये भी सही है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड. सो आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.